भाई बाबा मुझे लगता है विनोद ठीक कह रहा है, मामला पैसों का है, हम देर नहीं कर सकते, जो होना है अभी हो जाने दीजिए। इस घर की तलाशी और इस तरह? बाबा विनोद बिल्कुल ठीक कह रहा है, कम से कम इसे तसल्ली तो हो जाएगी। हाँ, हम किचन में देखते हैं, चल बहनी ने वहाँ पे रख दिए होंगे। हाँ, हाँ, चलो। नहीं है, कहीं भी नहीं है, अंदर मैंने हर जगह देखा, कहीं नहीं है। आई आई एक जगह भी और बाकी है। कौन सी? नहीं नहीं वहाँ नहीं हो सकता, वहाँ तुमने पैसे रखे नहीं तो वहाँ कैसे मिलेंगे? आई लेकिन देखने में क्या हर्ज है? नहीं नहीं ये मुझे मंजूर नहीं है। और उस कमरे की तलाशी लेना इसका मतलब उसका अपमान करना है, इसलिए। लेकिन बाबा आप ऐसा क्यों मान रहे हैं? ये तलाशी हो रही है वो सबकी तसल्ली के लिए हो रही, और घर के बाकी किसी मेंबर को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर इसी घर में हक से रहने वाले ताई और मानव को कोई प्रॉब्लम क्यों होगी? कैसे हो सकता है ये? मेरे अलमारी में कैसे मिल सकते? ये तुम क्या कह रहे हो मानो? क्या कह रहे हो तुम? मतलब कि उस पैकेट के पैर लग गए थे ना, तभी तो मेरी अलमारी में से निकलकर वो तुम्हारी अलमारी में आ गए। वो पैसे तुमने चुराए हैं मानो। एक सेकेंड, मानो ने कोई चोरी नहीं की, मैं जानती हूँ कि मानो ऐसा कर ही नहीं सकते, ये उनके खिलाफ एक साजिश है और कुछ नहीं। मानव इस पर रंगे हाथों पकड़ा गया है। पुलिस के हवाले कर दो इस नमक हराम को। क्या बोला तू? देखा, तेरी वजह से, तेरी वजह से मेरे बेटे की बेइज्जती हो रही है। देखा मानव, क्या आके तुझे क्या मिला? बोल नाला यकलोग। गलती लोगों की नहीं, गलती सिर्फ मेरी है। किस घर में आने का मैंने फैसला किया? देखे ना मार ले, हम यहाँ नहीं रहेंगे। चल मानव, मानव मुझे छोड़ के मत जाइए। मानव मैं जानती हूँ कि मेरी गलती थी, मैं आपको इस घर में लेकर आई, लेकिन मानव मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती। जहाँ मेरे पति की इज्जत थी मैं वहां नहीं रह सकती, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा जो जो टूटे हुए रिश्ते वो फिर से जुड़ सकते हैं। अच्छा हो गया ना, मैं तो हमेशा बोलती थी तुझे गुस्सा आता था आई का, अभी वो लोग कैसे है समझ में आई ना? अच्छा हो गया, चल ऊपर चल बेटा। मैं एक शक पे हूँ। क्या? मेरे साथ अर्चना भी अंदर आएगी। अरे क्या करूं मैं इस लड़के का, हाँ तुला शान पण कभी येणार? तेरी आंखें अब तक खुली नहीं। मुझे लगा था आई कि इतने दिनों मुझसे दूर रहने के बाद तुझे जरूर अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, लेकिन नहीं, मैं गलत था। दुनिया की हर चीज बदल सकती है लेकिन तू कभी सुधर नहीं सकती। आज यहाँ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। मंजू तुमने इस तरह मानो पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। ये भाई तू फिर से वही बात दोहरा रही है, सब जानते हैं कि सच क्या है। विनोद जो तुम्हें सच लग रहा है ना वो असल में सच नहीं है, किसी झूठ को सच का रूप दिया जा रहा है यहाँ। लेकिन आई उसे कौन बताएगा? आज मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन जिस दिन मेरे पास सबूत आएगा ना उस दिन उसकी खैर। बस बस बहुत हो गया, अभी यही सुनना बाकी रह गया था। विनोद अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रह सकती, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। विनोद छोड़ो तो मुझे, जाने दो बस। अरे मंजू, मंजू बात सुनो तो। क्या? मुझे नहीं रुकना इस घर में मंजू। अरे नहीं मुझे, तुम जाओ यहाँ से मंजू।